तुम क्या करता है, क्या है नहीं है, हमको सब रिपोर्ट मिलता है। बोला क्या करते हैं हम, आप बताइए तो। नहीं नहीं तुमसे हमको मुँह नहीं लगना है, तुम भागो सीधा यहाँ से जाओ, तुमसे मुँह नहीं लगना है, जहाँ जिसको जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, हम तुम्हारे पंचायती करने के लिए नहीं जाएंगे। ये तो सार्वजनिक जगह है भाई, ब्रह्म बाबा का स्थान है, ये देखो मंदिर है, ये मंदिर है, थोड़ा दिखाइए, ये मंदिर है, ब्रह्म बाबा के मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है ये, और यहाँ पे इस तरह का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा को फालतू बना रखे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा को बड़ा बना रखे हैं ये लोग। पिताजी से भी बात करते हैं कि कहाँ तक मामला पहुँचे हैं, कहाँ किससे किससे मिले हैं, हम कहाँ तक मामला पहुँचे। जी सर, पहले तो जितने भी विजिट चैनल देखने वाले दर्शक सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सोना माडर का पिताजी रामविलास यादव। मामला देखिए, मामला तो बहुत आगे भी चला गया है, और मानिए तो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो हम जो है से पहले जब ये लोग मंडप यहाँ पे गा रहे थे, तभी हम मना किए थे, जो लोग गा रहे थे कि देखिए ये उचित नहीं है यहाँ घर के किसी के मौका पे गारना, और भी बहुत जगह यहाँ पे पड़ा है, ब्रह्म स्थान का ही जगह है तो बहुत सारा जगह है गारना, अरे सबसे तो ज़्यादा हमारा ही गेट तो नहीं दिख रहा है, और का गेट भी है यहाँ पे, और भी लोग घर इसमें घर बना कर रह रहे हैं, हम तो सिर्फ आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो घर बना के लोग रह रहे हैं, इसी में बसे हुए हैं, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, और हम जा रहे हैं आ रहे हैं उसके लिए बहुत दिक्कत है आपको। कैसे समाज हैं आप, समाज हैं आप समाज हैं, समाज सेवी हैं, तो आप वाजिब फैसला कीजिए ना। हैं आप बोलते हैं कि हम समाज सेवी हैं यहाँ का, समाज सेवी हैं तो आप वाजिब फैसला करिए, तब ना समाज सेवी हुआ। समाज में समाज सेवी क्या काम है, समाज में कोई उल्लंघन कर रहा है, कुछ परेशान किसी कर रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है, तो उसका सेवा करना उसका समाज सेवी काम है, कि समाज सेवी के काम है, किसी को उखाड़ के फेंक दो घर, हैं नहीं, किसको भगा दो, किसी का रास्ता बंद कर दो, हैं। तो यहाँ पर मैं समाज से सबसे हम बोले कि यहाँ पे मंडप गाड़ना उचित नहीं है, हम कुछ देर में गाड़ी लेने वाले हैं तो मुझे परेशानी होगा, तो बोला जब लेगा तब न, अभी नहीं लिया है ना, पहले से क्या बोल रहा है। वो लोग को लगा ऐसे भौकाल छोड़ रहा है, हाँ भौकाल छोड़ रहा है ऐसे, तो भी वो लोग जो है वो लोग तो को जो पता ही था कि आज न कल लेगा ही, इसके लिए को लोग मकसद से यहाँ पर जो है मंडप जो है गाड़ दिया, और उसके बाद बोला जब गाड़ी लगा तो हट जाएगा। जब हम गाड़ी लिए और लाए तो सभी लोग उस समय आप नहीं बोले कि ये मंडप किस काम की, जब छज्जी है कुछ। अरे ये बहुत दिन पहले गाराया था, जब अठजाम हुआ था, अठजाम जब हुआ था ना यहाँ पे महाशिवरात्रि में, तो होम होता है ना, होम, हाँ होम जाप, तो होम के लिए जो है इस पे कुंड बनता है ना, होम करता है, हाँ तो उसके लिए गारा गया था। उसका नियम है कि सवा महीना बाद उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि उस पे पैर लोग नांग के उसको जाना आना, उस पे पैर रखना हिंदू धर्म के खिलाफ होता है, खिलाफ होता है, उचित नहीं है। वो भी जो है से ये चीज़ जो है कहीं साइड में होता है कि उस पर नंगन ना हो, किसी का पैर ना लगे, लेकिन सारे सारा समाज को दिखाई पड़ रहा है कि वो घर के गेट में गेट के अंदर जाएगा, जिस पर पैर रख के ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मजबूरी है मेरा पैर रखना, तो भगवान को भी तो सब अपमानित कर रहा है ना, हैं ये तो कहीं ना कहीं तो भगवान का भी अपमानित हो रहा है और हमसे अपराध करा रहा है, हैं। तो सब लोग को हम बोले तो भी सब लोग कोई नहीं माना, और जहाँ 10 लाठी तहाँ 1 लाठी वहाँ क्या काम आएगा, जहाँ 10 गो लाठी है वहाँ आपको 1 लाठी क्या करेंगे आप। तो बात यही है, यहाँ पे 10 लाठी है, हम अकेला लाठी है, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं चलता है, सब लोग गाड़ दिया। जब गाड़ी लाए हटाने के लिए हाथ जोड़ के सबसे बोले, कोई नहीं बोला, बोलता है कि जब हम लोग को मर्जी होगा तो हम लोग हटाएंगे, तुम्हारा बात नहीं चलेगा, वो हम लोग सोचेंगे विचारेंगे उसके बाद जो करना होगा करेंगे, इतना हरवाने से कोई मनमर्जी इतना हरवाने से कुछ नहीं होगा। कुछ मीडियाकर्मी ने सवाल किए गांव वाले से, तो झूठों का आरोप लगाया हमारे धन कि यहाँ पे समाज से मिल के नहीं रहता है, और जो है से समाज को कुछ लगाता नहीं है, समाज को गाली देता है। अरे गाली देता है, कुछ बोलता है, अगर करता है तो आजकल तो हाथे हाथ सबका स्मार्टफोन है, हैं जरूर कोई ना कोई वीडियो क्लिप जो है से निकाल लेगा। जो इंसान अगर रोज रोज किसी को गाली दे या मतलब परेशान करे, तो जरूर आजकल तो जानते इतना सा छोटा बात होता है उसका वीडियो खींच लेता है आदमी, वायरल कर देता है। वैसा अगर है कहीं, अगर हम कर रहे हैं तो आप लोग वो वीडियो खींच करके पब्लिक को दिखाइए, मीडिया वाले को दीजिए कि देखिए इसका क्या कारनामा है, गाली दे रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं समाज के, हाँ और आपके पास कोई सबूत नहीं है,
और आप लोग का सबूत बोलिए तो सारा सबूत हम देंगे। हाँ, आप सारे दस को मिल के इकट्ठा हुए हैं और अपना होती चला रहे, हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो भी वीडियो के तौर पे हम हर एक सबूत रखे हुए हैं। हाँ, सभी का वो कभी भी जहाँ ज़रूरत लगेगा तहाँ, हम किसी को वो प्राइवेट वीडियो हम किसी को देते नहीं हैं, क्योंकि दे देंगे तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समाज वाली बात है, बोलेगा कि समाज में ऐसा 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 किया है आदमी। इसी अभी भी तो सोचना चाहिए ना कि जब हर जगह से मीडिया पहुँच रहे थी, अभी देखिए हम जैसे मधेपुरा से आए हैं, लगभग बहुत 4-5 घंटा का रास्ता सफ़र करके आए, तो मतलब कि इतना दूर से हैं तो वायरल तो हो रहे हैं वीडियो, हर जगह से पत्रकार सब भाइयों सब पहुंच रहे हैं, हर जगह से पहुंच रहे हैं, तो ये तो आप वीडियो से ज़्यादा तो वायरल ऐसे ही हो रहे हैं इस गांव का, जो जो नाम जो है ख़राब हो रहे हैं, यहाँ का गांव का समाज का नाम ख़राब हो रहे हैं, तो इसे तो सारे समाज को हम बोले, हाँ जो कोई भी अग्री नहीं हुआ इसको हटाने के लिए, बोला हम लोग इसको तुम्हारे कहने से नहीं हटाएगा, हम लोग अपने मन से गा रहे हैं, हम लोग अपने मन से हटाएंगे, हम गाड़ी कैसे लग जाए, तुम्हारा गाड़ी का ठीका लिया है, तुम हमसे पूछ गाड़ी लिया है, ओ तो मतलब गांव समाज के देखते हैं यहाँ कैसा समाज है, हम कोई भी चीज़ लेने जाएं तो पहले पूछेंगे समाज से, भाई हम ये खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाएंगे, गाड़ी लेंगे तो गाड़ी लेने जा रहे हैं, तब वो समाज कहेंगे हाँ तो तब लेंगे, अन्य तो नहीं लेना है, जब समाज बोल दिया नहीं तो नहीं, भाई शौक मेरा है ये तो कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद तो समझिए आदमी मुखिया के पास, सरपंच के पास जाता है, वैसे ही हम भी कुछ किए, मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी बोले हमारा काम नहीं है, सरपंच साहब के पास जाइए, उसके बाद सरपंच साहब के पास गए, सरपंच साहब ने देखे नया गाड़ी तो उनको तो और ज़्यादा जलन हो गया, ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया, मन में भी रखना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि गाड़ी दिखाने आया है, कार दिखाने आया है, ऐसा कार बहुत सारा देखे हैं। मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं सरपंच साहब, ये कौन सा बात हुआ, हम आपको गाड़ी दिखाने आया है क्या, दुनिया का पहला इंसान है जो हम गाड़ी लिए हैं, और भी किसी के पास ये गाड़ी नहीं है, गांव में और कहीं गाड़ी नहीं है जो आपको गाड़ी दिखाने हम आएंगे, नहीं तुम क्या है नहीं है, हमको सब रिपोर्ट मिलता है, तुम क्या करता है क्या है नहीं है, हमको सब रिपोर्ट मिलता है। बोला क्या करते हैं हम, आप बताइए तो, नहीं नहीं तुमसे हमको मुँह नहीं लगना है, तुम भागो सीधा यहाँ से जाओ, तुमसे मुँह नहीं लगना है, जहाँ जिसको जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, हम तुम्हारे पंचायती करने के लिए नहीं जाएंगे। बोले नहीं तो गांव समाज में हम नहीं रहते हैं, नहीं बोला हमको कुछ मतलब नहीं। मैं बोला मुखिया जी आती सरपंच साहब आप लोगों को वोट देकर के हम लोग इसीलिए बनाए हैं कि समाज को सेवा करने के लिए, जो भी निदान है उसका फरियाने के लिए, फैसला नहीं नहीं कोई कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, हाँ सीधे जाओ यहाँ से, सीधे एकदम ऐसे जल्दी जाओ यहाँ से, खाली करो यहाँ से, भागो इधर से। हाँ फिर मैं चला आया, मैं ठीक है, और उसके बाद आकर अपना घर बैठ गए। उसके बाद सोनम बोली क्या बोला पापा, तो मैं बोला क्या बोला ऐसा ऐसा बात था, देख ऐसा करके वहाँ से भेज दिया। सोनम रोते रोते वीडियो बनाई और उसके बाद अपने पेज पे डाल दी, और उसके बाद जो है से वीडियो वायरल होने लगा, और सभी मीडिया बंधु जो है से धीरे धीरे वहाँ से सभी अपना देख देख के आने लगे। और उसके बाद प्रशासन के पास भी गए, उसके उनको भी आवेदन दिए, CEO साहब के पास गए, उनको भी बोले, सब बस भरोसा दे रहे हैं कि हाँ करवाते हैं करवाते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आए हैं। मतलब भरोसा दे रहे हैं, कोई काम हाथ पे हाथ धर बैठे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, वो लोग कब आएंगे, जब यहाँ पे एक लाश गिर जाएगा, हाँ जब यहाँ पे लाश एक गिर जाएगा और कोई मर जाएगा कट जाएगा, उसके बाद वो लोग आएंगे अपना प्रमोशन करने के लिए। जितना भी नेता लोग हैं हमारे, विधायक है या चाहे सांसद जी है चाहे जो भी है, सब लोग जो है ना, सभी लोग यहाँ पे, बस पप्पू यादव जी बोलते हैं कि हम तो उनको बहुत ही मानते हैं, हमेशा देखते हैं कि जाते हैं सकदर, लेकिन उनसे मेरे को डायरेक्टली बात हुआ, वो भी हमको बोले कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि कहीं भी कुछ भी समस्या होता है तो हमारे पास अगर कॉल आता है 24 घंटे के अंदर में वो समस्या का हल निकाल देते हैं। लेकिन 24 घंटा नहीं, कम से कम आज 4 दिन हो गया उनसे बात करके, लेकिन अभी तक उनका कोई कॉल भी नहीं आता है, कॉल भी नहीं आया। तो हम कैसे मान लें कि आप जाके समस्या का हल कर रहे हैं कि अपना प्रमोशन कर रहे हैं। समाज से भी है लेकिन आपके पास कॉल रिटर्न नहीं आया अभी तक। कुछ नहीं हमारे पास आया, सब लोग आते हैं कब, जब मर जाएंगे ना तो आंसू झूठा नकली आंसू बहाने के लिए आएंगे कि हम आपके साथ हैं। हम कैसे मान ले, हम एक हफ्ता से हम परेशान है, छोटा सा काम के लिए परेशान है, हम सब काम धंधा छोड़ के इसमें उलझे हुए हैं, और यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, क्यों किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, वीडियो इतना सारा वीडियो बन रहा है, इतना सारा पत्रकार साहब जो है सारा बना बना के वीडियो ले जा रहा है, सारा वायरल हो रहा है, क्यों किसी को नहीं दिख रहा है। अभी तक मतलब MP MLS मिले किसी से?
हम नहीं किसी सामने मिले हैं ऊपर में, क्योंकि नहीं सोच रहे हैं कि अगर यही सॉल्व हो जाए तो आगे जाने क्या फायदा। बिल्कुल यही ना, बिल्कुल हम सोचे जितना अच्छे से आराम से हो जाए सॉल्व उतना अच्छा है, समाज लोग अगर कर देता है तो और बेहद अच्छा है, इसलिए हम अभी कहीं नहीं गए। फिर से समाज से किसी से मिले कि मुखादमी से सबसे सबको जाके मीडिया बंधु भाई ने बोले कि इसे कुछ लोगों ने बोला कि सोनम के पापा हम लोग के पास नहीं आता है, हम लोग को हम लोग से मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, हम लोग के पास आया ही नहीं है कि हम लोग हटाएगा। मैं बोला एक गलत आरोप है, आपके सामने हम जाते हैं सबको बुलाने के लिए, पंचायत बैठाने के लिए, उनके साथ करके दूर दूर जा करके सबको हाथ जोड़ के बोले कि चलिए हमारा पंचायत करके क्लियर कर दीजिए। बोला ठीक है, कल शाम को 7 बजे टाइम दिए थे और 5 बजे हम गए थे सबको बोलने के लिए। सबको पूरा गांव जो है यहाँ पे कम से कम 400-500 घर है हमारा यादव समाज का, 500 घर में जो है जाकर सबको बोल दिए और उसके बाद जो है से सब लोग यहाँ पे आ गया, मुखिया जी को फोन गया, मुखिया जी भी आ गया 10 मिनट टाइम से पहले, अपने टाइम पे सही समय पे वो आ गए पंचायत करने के लिए। लेकिन उसको कोई इशारा कर दिया यहाँ पे कि आप कुछ इधर उधर करके बहाना बना के निकल जाइए और हम लोग भी बहाना बता देगा कि मुखिया जी मतलब कहीं इमरजेंसी में चले गए हैं, इसके लिए आज पंचायत नहीं होगा। मुखिया जी के इशारा हुआ, मुखिया जी बोलते अरे थाना में किसी को पकड़ लिया, हम लोग थोड़ा उसको छोड़ा के आते हैं। हाँ छोड़ा के अभी आधा घंटा के अंदर आते हैं, हाँ आप लोग बैठिए तब तक। लोग बैठे बैठे जो है से 2 घंटा बैठे रहे, मुखिया जी कहीं पता नहीं, यहाँ का बहाना मिल गया उसका, वो तो पाक पका ही था पहले कि मुखिया नहीं रहेगा तो पंचायत नहीं होगा, और यहाँ पे मुखिया जी का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये समाज का काम है। मुखिया जी कहना था कि हट जाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये उन लोग का काम है, अपना समाज का काम है, समाज जो जो जैसा करना है वैसा करे, उसमें मुझे उसमें कुछ मुझे भी अथी नहीं है, हट जाएगा तो भी नहीं हटेगा, उसमें कुछ हम बोलेंगे नहीं विशेष। हाँ सहयोग जो होगा सब लोग का सहमति होगा वो होगा, तो भी एक मुद्दा जो है मुखिया जी के बना के यहाँ पे पंचायत जो है सब लोग रद्द कर दिए कि ताकि पंचायत होगा मीडिया कर्मी है सामने में तो यहाँ पे तो वाजिब बात बोलना पड़ेगा लाइफ में, गलत बोलेंगे तो। कुछ लोग ये भी बोला मीडिया का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पंचायत में, हाँ यहाँ समाज का काम है, यहाँ मीडिया कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ये भी बोला, कुछ लोग ये बहाना बना के पंचायत को रद्द कर दिया। रात को 9 बजे तक लोग 7 बजे बैठे बैठे 9 बजे तक बैठा रहा, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा 100% उम्मीद है कि जिस हिसाब से कुछ लोग विरोध यहाँ पे किया, कुछ लोग ही है, गांव ख़राब नहीं है, गांव के लोग भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा हमारा गांव है, बहुत अच्छा हमारे गांव का आदमी है, लेकिन कुछ लोग ख़राब है और उसी के कारण इतना बड़ा विवाद हो रहा है। 5 से 10 लोग होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इसका विरोध में 5 से 10 लोग होगा, हाँ पूरे टोला में 50 घर 100 घर होगा, उसमें से 5 से 10 लोग है इसका विरोध में, वही 10 गो लोग के बात लेके सारा गांव सुन रहा है। शर्म आना चाहिए सभी को कि 10 वोट भी होता है तो 100 में से 90% को जीत होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना 100% में से 10% को जीत होता है। हाँ 100 में से 10 लोग अगर बोल देता है अगर गलत भी तो वही उसी का बात चलेगा, जो 90 को सही बोल रहा है उसका बात यहाँ पे नहीं चलता है, यही बात है। बस 10 गो लोग है वही ये फंसा के रखा हुआ है, हाँ बस 10 लोग खाली है। देखिए कि यहाँ का जो मुद्दा था जो पूर्ण रूप से कहा जाए कि कैसे परेशान कर रहे हैं यहाँ के जनता मिल के, सार्वजनिक जगह है यहाँ पे कोई इस तरह का मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये मुद्दा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि हर एक आदमी के पास जाए तब देखे कि छोटा मुद्दा को कितना बड़ा विवाद बना रखे हैं।